हेलो एवरी वन टूडे वी लर्न चैप्टर नंबर इलेवन एंड द चैप्टर नेम इज़ जग्स एंड मग्स सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी लर्न अ स्मॉल स्टोरी एंड द स्टोरी इज बेस्ड ऑन वेडिंग इन बनीस फैमिली देर इज़ अ वेडिंग इन बनीस फैमिली अ फैमिली ऑफ रेब्स यहाँ पे एक वेडिंग पार्टी रखी गई है और वो पार्टी किसके घर पे रखी गई है बनीस की फैमिली में और बनीस की फैमिली कौन सी फैमिली है रैबिट्स की फैमिली ओके मैनी गेस्ट आर इनवाइटेड बहुत सारे गेट्स को वहाँ पर इनवाइट किया गया लाइक डियर मंकीज एलिफेंट्स माइसिसमल्स मंगूस एक्सेट्रा स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट सभी गेस्ट को स्पेशल ड्रिंक सर्व किया गया वन ग्लास इच सभी गेस्ट को वन वन ग्लास ड्रिंक दिया गया एवरी वन फाइंड द ड्रिंक वेरी टेस्टी सभी को वो ड्रिंक बहुत ही टेस्टी लगा बट समीमल्स गेट्स सम स्मॉल गेस्ट लाइक डैश डैश कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास पर लेकिन कुछ जो स्मॉल गेस्ट थे वो लोग वन ग्लास जो ड्रिंक है वो फिनिश नहीं कर पाए तो बताइए वो कौन से एनिमल्स हो सकते हैं कौन से गेस्ट हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं हमारे एंट्स क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होते हैं ओके और कौन हो सकते हैं बताइए वो हो सकते हैं माइस ओके नेक्स्ट बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास पर लेकिन एक यहाँ पे जो गेस्ट था वो एक ऐसा था वो कंप्लीट जो अपना ड्रिंक है वो इजीली फिनिश कर रहा था तो वो कौन हो सकता है तो आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे डियर है देखिए वन टू थ्री फोर इतने सारे ग्लासेस लिए इन्होंने है ना तो वो डियर भी हो सकता है एलिफेंट भी हो सकते हैं तो वो कोई भी हो सकता है ठीक है तो आप यहाँ पे कोई भी एनिमल का नेब लीजिए तो हम लिख लेते हैं एलिफेंट जो ज्यादा पी सकते हैं उनके यहाँ पे नेम लिख सकते हैं ओके नाउ अदर्स लाइक डैश डैश डैस्क आर फॉर आस्क फॉर मोर देन वन ग्लास और कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो क्या कर रहे थे एक से ज्यादा ग्लास पी रहे थे तो वो कौन हो सकते हैं तो बताइए उनके नेम तो वो हो सकते हैं हमारे जो एक से ज्यादा ग्लास पी सकते हैं वो हो सकते हैं डियर ओके और एलिफेंट और क्या लिख सकते हैं आप और लिख सकते हैं यहाँ पे और कौन से एनिमल थे कैमल ठीक है तो आप इनके यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ द ट्रबल बिगिनस देर आर सम हु गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास और कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो वन बाय वन ग्लास ड्रिंक जो है वो पिए जा रहे थे बनी वॉन्ट्स टू गेस हु जो जो बनी है वो गेस करना चाहता था कि किसने कितना ड्रिंक पिया है हेल्प हिम फिल द टेबल आपको उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को फिल करने में हैफ फन और आपको इसे मजा भी आएगा ओके okay? तो देखिए लेस देन वन ग्लास एक ग्लास से कम जो ड्रिंक है वो कौन पी सकते हैं वो स्मॉल एनिमल पी सकते हैं लाइक एंट्स माइस ओके नाउ नेक्स्ट बिटवीन वन टू फाइव ग्लासेस कौन ऐसे एनिमल है जो वन से लेकर फाइव ग्लासेस तक पी सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे कैट मंगूज बिटवीन फाइव टू टेन ग्लासेस अब वो कौन एनिमल हो सकती है जो फाइव से लेकर टेन ग्लासेस तक पी सकते हैं वो हो सकते हैं डियर ओके डॉग्स नेक्स्ट मोर देन टेन ग्लासेस अब कौन सा एनिमल है जो टेन से ज्यादा ग्लासेस पी सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलिफेंट कैमल ठीक है तो आप इसे ऐसे फिल कर सकते हैं टेबल को नाउ वाटर इन वाटर आउट आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी वेयर डज इट गो तो यहाँ पे एक बॉय है वो क्या सोच रहा है कि मैं हर रोज क्या करता हूँ बहुत सारा पानी पीता हूँ बट लेकिन वो सारा बाहर नहीं निकल पाता है वेयर डज इट गो वो कहाँ चला जाता है हैव यू हैव अ थाट लाइक लड्डू क्या कर? आपने भी लड्डू की तरह कभी सोचा है अबाउट हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे आपको पूछा गया है कि आप एक दिन में कितना पानी पी लेते हैं तो आप देखिए हम लोग इन समर में हम लोग कितना वाटर पी लेते हैं समर डे में हम ट्वेल्व टू फोर्टीन ग्लासेस ऑफ वाटर पी लेते हैं एंड इन विंटर हम विंटर में फ़ाइव टू सिक्स ग्लासेस वाटर पी लेते हैं है ना तो अब यहाँ पे जो लड्डू है वो कहता है कि मैं इतना सारा पानी पीता हूँ बट लेकिन वो मेरी बॉडी से बाहर नहीं आता है तो वो कहाँ चला जाता है तो देखिए जो वाटर है या तो वो हमारे कुछ स्वेटिंग के इसमें निकल जाता है ठीक है और या तो हम कभी वॉक करते हैं तो तब निकल जाता है तो हम जो इन समय में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ओके कंपेयर टू विंटर नाउ नेक्स्ट बॉटल्स एंड बकेट्स गेट वन लीटर बॉटल कैन बी एन एमटी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल एक्सेट्रा तो आप क्या कर सकते हैं वन लीटर की बॉटल ले सकते हैं ठीक है वो कैसी बॉटल हो सकती है वाटर की भी हो सकती है ऑयल की भी हो सकती है वो खाली लेनी है ओके नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अमग जग ग्लास बाउल एक्सेट्रा आप कुछ क्या कीजिए मग जग ग्लास बाउल इन सबको कलेक्ट कीजिए एट योर हाउस अपने हाउस से यूज़ द वन लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड्स मोर देन वन लीटर आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से ऐसे वेसल्स हैं जो कितना वन लीटर जो है वन लीटर वाटर आपने पे रख सकते हैं या उससे ज़्यादा वो रख सकते हैं एंड विच ऑफ वन होल्ड्स लेस देन वन लीटर और कुछ ऐसे वेसल्स के नाम देखिए कि जो उससे कम वाटर ले रहे हैं मीन्स वन लीटर से कम पानी अपने पे ले रहे हैं मेक अ स्मॉल ड्रॉइंग ऑफ यू लाइक ठीक है आप कोई सी भी एक स्मॉल ड्रॉइंग बना सकते हैं तो लेस देन वन लीटर वन लीटर से कम कौन सा पानी कौन हो सकते हैं तो वन लीटर से कम पानी किस में आ सकता है अ ग्लास ठीक है जो आपके ग्लास होते हैं घर में उसमें वन लीटर तो एक साथ जो है वाटर नहीं आ सकता है स्मॉल मग ओके स्मॉल मग ऐसे आपको वेसल्स चेक करने हैं आपके घर में कौन से हैं जिनमें लेस देन वन लीटर वाटर आ सकता है नेक्स्ट है मोर देन वन लीटर अब कौन से ऐसे हैं जिनमें वन लीटर से ज़्यादा पानी आ सकता है वो हो सकता है बाथिंग टब बाथिंग टब हो सकता है उसमें ज़्यादा वाटर आता है वन लीटर से है ना एंड बकेट uh, हो सकती है ऐसी आपको अपने घर में वेसल्स चेक करने हैं किस में ज्यादा पानी आता है किसमें कम नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस अपने घर के बकेट्स को देखिए गैस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड तो आप चेक कीजिए कि उसमें कितना वाटर लीटर आ सकता है यू वन लीटर बॉटल एंड चेक इफ यू गैस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स तो जितनी बकेट्स हैं बकेट वन टू थ्री तो सब में क्या कीजिए वन वन लीटर की एक बॉटल रखिए और उसे मेजर कीजिए कि उसमें कितना पानी आ रहा है और आपने कितना गैस किया तो आपको यहाँ पे मेजर करके लिखना है ओके नाउ नेक्स्ट मैच द राइट पेयर्स अब आपको क्या करना है राइट right पेयर में इसको मैच करना है तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे उस लीटर्स दिए हुए हैं अबाउट ट्वेल्व लीटर्स तो ट्वेल्व लीटर्स पानी किस में आ सकता है लेस देन हाफ़ लीटर अबाउट फाइव लीटर वन थाउजेंड लीटर एंड हाफ़ लीटर तो आपको बताना है कि किस में कितना किटा वाटर आ सकता है उनको इन पिक्चर्स से मैच करना है तो फर्स्ट यहाँ पर बोला गया है अबाउट ट्वेल्व लीटर्स तो ट्वेल्व लीटर्स तक पानी किस में आ सकता है वो एक बकेट में आ सकता है तो आप इसे एक बकेट से मैच करेंगे ओके तो करते हैं इसे मैच से मैच करते हैं बकेट में लेस देन हाफ लीटर हाफ लीटर आई ड्रॉप में आ सकता है अबाउट फाइव लीटर फाइव लीटर जो है वाटर वो किस में आ सकता है तो यहाँ पे वन मोर पिक्चर दी गई है वो है आपके पास ये है इसमें सुराई में आप क्या कर सकते हैं मैच कर सकते हैं वन थाउजेंड लीटर आपके टैंक में आ सकता है एंड हाफ़ लीटर जो वाटर है वो किस में आ सकता है वो आ सकता है टू मेज़र अ मिल्क तो आप इसे यहाँ पर मेजर कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे आपको इसे मैच करना है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसके जग में ज्यादा पानी होल हो रहा है वट आर नईमा एंड जीतू डूइंग नईमा एंड जीतू क्या कर रहे हैं इफ नईमा पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग ही लुक्स लाइक दिस अगर वो अपने जग में वन ग्लास पानी फिल करती है तो उसका जग ऐसा इतना दिखाई देता है कि उसमें इतना पानी हमने रखा हुआ है नईमा थिंग्स थेंक, शी विल हैव हाँ टू पोर अराउंड थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग नईमा को लगता है अगर मैं इसमें थ्री ग्लासेस और वाटर डालती हूँ तो ये फिल हो जाएगा तो वट डू यू थिंक येस तो ठीक है अगर इसमें थ्री ग्लासेज और पानी डालती है तो ये फिल हो सकता है इफ़ जीतू पोर्स one ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस अगर वो अपने इसमें जग में one ग्लास पानी डालता है तो वो हमें ऐसा दिखाई देता है हु जग होल्ड्स मोर वाटर तो आपको बताना है किसके जग ने ज़्यादा पानी होल्ड किया है वो किया है हमारे जीतू के ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा जीतू ओके हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज ग्लास तो जीतू को कितने और ग्लास वाटर की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका जग फिल हो जाए तो देखिए अभी इसमें वन ग्लासेस डाला है तो वो इतना फिल हो रहा है अगर हम इसे टू ग्लासेस डालते हैं वन ग्लास और डालते हैं तो वो इतना हो जाएगा और इसमें हम एक और ग्लास और डालते हैं तो पूरा फिल हो सकता है ठीक है तो इसमें तो हमें ज़रूरत कितनी है टू ग्लास मोर नेक्स्ट अब यहाँ पे नैमा की उसमें जग में कितने की ज़रूरत पड़ती है अगर नईमा ने वन ग्लास डाला तो वो इतना हो रहा है सेकेंड ग्लास डालेगी तो इतना फिर एक और ग्लास डालेगी तो इतना और इसको कितने की जरूरत पड़ेगी थ्री की तो इट्स मीन्स किस किस में ज़्यादा पानी आ रहा है जीतू किस में ना तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज ग्लास तो यहाँ पे आ सकता है टू ग्लासेस ओके नेक्स्ट इफ़ जीतू पोर्स वन मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड डैश फुल तो वो अगर उसमें वन ग्लास और डालता है तो उसका जो जग है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ फुल लिख सकते हैं हाफ ओके नाउ नेक्स्ट फिलिंग पॉट्स नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वॉटर नसीम और अब्दुल क्या कर रहे हैं अपने अपने पॉट्स में वाटर फिल कर रहे हैं बोथ पॉट्स आर इक्वली बिग एंड हैवी दोनों ही जो पॉट है वो इक्वल हैं और हैवी हैं सो दे वैन टू द टैप अगेन एंड अगेन फिल्ड देयर आउन बॉटल्स एंड पोर्ट वॉटर इन टू द पॉट्स दोनों ही अपने बॉटल में क्या कर रहे हैं वाटर फिल कर रहे हैं टैप में जा कर के और अपने पॉट को फिल कर रहे हैं नसीम हैड टू फिल हर बॉटल सिक्सटीन टाइम्स फ्रॉम द टैप नसीम ने क्या किया है अपनी बॉटल से टाइम्स जाकर के अपने पॉट को फ़िल किया है बट अब्दुल हैड टू फिल हिज़ बॉटल ओनली एट टाइम्स और अब्दुल ने अपने बॉटल एट टाइम्स में जाकर के पॉट को फिल किया है वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स दैन अब्दुल क्यों जो नसीम हैं वो ज़्यादा बार गई है कम्पेयर टू अब्दुल क्यों गई है बिकॉज जो नसीम की जो बॉटल है वो स्मॉल है और नसीम की और जो अब्दुल की जो बॉटल है वो बिग है है ना तो जिसमें जो ज़्यादा हो बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा और जो छोटा होता तो है उसमें कम पानी होगा तो वो तभी उसमें जो कितने टाइम्स लगे सिक्सटीन टाइम्स और ये एट टाइम्स तो लिख सकते हैं नसीम बॉटल इज़ स्मॉल दैट्स वाई ही गोज़ मोर टाइम्स कंपेयर टू अब्दुल नसीम्स बॉटल कैन होल्ड डैस ट्वाइस हाफ़ थ्री टाइम्स एज मच वाटर इज़ अब्दुल बॉटल तो जो नसीम की जो बॉटल है वो अब्दुल से ट्वाइस है हाफ है या थ्री टाइम्स है तो वो क्या है हाफ है जब अब्दुल फिल करता है तो वो सिक्सटीन टाइम्स जा आ, वो एट टाइम्स जाता है और नसीम फिल करती है तो वो सिक्सटीन टाइम्स ओके तो एट का हम डबल करें तो क्या हो रहा है सिक्सटीन तो मीन्स उससे ट्वाइस तो यहां पर जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नसीम बॉटल कैन होल्ड डैस एज मच वॉटर ऑफ अब्दुल तो क्या है ट्वाइस या हाफ हाफ ओके नाउ नेक्स्ट हाउ मेनी ग्लासेस पॉट बी होल्ड्स इलेवन ग्लास फुल्स ऑफ वाटर अगर हम ए पॉट बी पॉट में पानी फ़िल करते हैं तो उसमें एलेवन ग्लासेस पानी आता है पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी जो बी पॉट है ए पॉट है अगर उसमें फिल किया जाए तो वो बी के डबल ग्लासेज ऑफ वाटर कंज्यूम करता है तो हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए तो कितने ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ए पॉट को फिल करना चाहें तो बी पॉट को फिल होने में इलेवन ग्लासेस की जरूरत पड़ती है एंड ए ग्लासेस को कितनी पड़ेंगी तो हम इससे डबल है है ना तो हम इलेवन को टू टाइम्स एड कर लेंगे इलेवन प्लस इलेवन इक्वल्स टू ट्वेंटी टू सो वी नीड ट्वेंटी टू ग्लासेस ओके नेक्स्ट फिलिंग पाथ होल्स अब यहाँ पे क्या करना है कुछ पाथ होल्स दिए हुए हैं आपको सो फिल करना है दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा ये एक स्मॉल टाउन है कहाँ पर कोहिमा में देअ आर सम पाथ होल्स इन द रोड रोड में क्या है कुछ पाथ होल्स हैं पाथ होल्स मीन्स होते हैं जैसे हम रोड में चलते हैं कुछ होल्स आते हैं ना बीच में तो वो होते हैं पाथ होल्स बिफोर द रेन्स कम बारिश आने से पहले चिल्ड्रन वॉन्ट टू फिल द होल्स विद पेबल्स और बच्चे क्या चाहते हैं बारिश आने से पहले ही हम जो भी पाथ होल्स हैं उनको फिल कर लें किससे पेबल्स से दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ़ द सेम साइज़ वो क्या करने लगे सेम साइज़ के मग में पेबल्स को लेकर के उन जो हम वहाँ पे पात होल्स हैं उनको फिल करने लगे होल ए गैट फिल्ड विथ नाइन मगस ऑफ पैबल्स जो ए जो यहाँ पर जो होल है उसे फिल होने में कितने नाइन मगस पेबल्स की जरूरत पड़ी होल बी को फिल होने में एटीन मगस की ज़रूरत पड़ी और सी को फिल होने में ट्वेल्व मग्स की जरूरत पड़ी तो इट्स मीन्स जो ज्यादा बड़ा होल होगा उसे ज्यादा पेबल्स की जरूरत पड़ी तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे वो कौन सा है वो है ये तो हम इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं हम बी और सी और इसका नाम है बी का नाम है सी और इसका नाम हो गया ए ओके नाउ नेक्स्ट मार्क ए बी सी टू द राइट होल ऑफ इन पिक्चर तो ए बी सी आपको मार्क करना है जो हमने कर लिया है नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट पाथ होल तो सबसे बड़ा पाथ होल कौन सा है तो वो है हमारा बी ठीक है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नेक्स्ट है इफ़ जग्स आर यूज होल ए गेट्स फिल्ड विथ फाइव जग्स अगर हम क्या करते हैं होल ए को फिल करते हैं फाइव जग से हाउ मैनी जग्स ऑफ पैबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी तो कितनी बी होल को फिल करने में कितनी पैबल्स की जरूरत पड़ेगी कितनी जग्स पैबल्स की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी तो इसमें बोला गया है नाइन मग्स इक्वल्स टू फाइव जग नाइन जो मग है वो इक्वल्स टू है फाइव जग के ओके और फिर हमें बोला गया है वन मग इक्वल्स टू वन मग वन मग में कितने पाबाज आते हैं वो हमें नहीं पता तो पहले हम वन मग के लिए निकालेंगे तो इट्स मीन्स जब एक जग में फाइव आ रहा है तो वन मग का तो हमें नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे नाइन अपॉन फाइव ओके अगेन फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर नाइन अपॉन फाइव अपॉन नाइन मल्टीप्लाई हम एटीन मग्स के लिए निकाल रहे हैं ना तो हम क्या करेंगे इसे एटीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके okay. तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है अगर हम इससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 90 अपॉन नाइन तो अगर हम इसे नाइन वन जाए नाइन और नाइन टन जाए नाइनटी तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी हमें जरूरत पड़ेगी टेन हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन जगस ठीक है हमें टेन जग्स पेबल्स की जरूरत पड़ेगी अगर हम बी होल को फिल करते हैं तो ओके ओके स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, हैव अ नाइस डे